हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले एमबीए शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एमबीए शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना है। तो फिर इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप आफ्टर ग्रेजुएशन इस कोर्स को कर सकते हो। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन इस कोर्स को कर सकते हो और आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप 50% मार्क्स स्कोर की होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपके 50% मार्क्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए। 10th 12th और डिग्री कोर्स कर रहे हो, जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल का जो भी डिग्री कोर्स कर रहे हो उसमें और 10th 12th में आपको 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। फ्रेंड, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर में, यूनिवर्सिटीज के ऊपर में, क्योंकि हर कॉलेजेस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी रूल एंड रेगुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो यार, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की जो टर्म एंड कंडीशन है, जो रूल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग है और गवर्नमेंट कॉलेज की जो अलग है। तो फ्रेंड, मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ वो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी क्या है कि वो मांगती है आप लोग को 50% होनी चाहिए डिग्री कोर्सेज के अंदर में, ठीक है। उसी के साथ साथ 50% मार्क्स जो है वो आपको 10th 12th और किस जो आप डिग्री कोर्स किए उसके अंदर में होनी चाहिए, यानी कि तीनों में 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। तो फिर अगर आप SC ST हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा। जो आपका डिग्री कोर्सेज है वहां पे आपका 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स कंपलसरी है 10th 12th एज वेल एज डिग्री में। उसके बाद फिर मैं मेडिकल फिट की बात करूँ तो आपको मेडिकली और आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा बाय डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर्स, यानी कि डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से आपको मेडिकली और आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, ठीक। उसके फिर बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो IIMU है, IIMU ने कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, तो आप आराम से इस कोर्स के लिए एलिजिबल और इस कोर्स को आप कर सकते हो, लेकिन आप मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से। देन बात करते हैं इसका फॉर्म कब निकलता है। फिर इसका फॉर्म जो है वो जुलाई के लास्ट और अगस्त के स्टार्टिंग में इसका फॉर्म रिलीज हुआ था। तो इसके फॉर्म पर आप जाकर सिंपल सा इसके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। देन बात करते हैं इस कोर्स की फी क्या होती है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की कोर्स है। इस कोर्स की फी क्या होती है, इस कोर्स की जो फ्रेंड फी है वो आपको पड़ जाता है अराउंड 87,500 रुपीज, जो पर ईयर का फीस है। तो आप लोग उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो 2 ईयर की फीस। तो फिर एक और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताना था कि ये जो कोर्सेज होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो ये IIMU कैंपस के अंदर में 2 तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि MBA इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है और होता है MBA पोर्ट्स एंड शिपिंग मैनेजमेंट। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों की फीस सेम है, दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, दोनों की जो हर कुछ सेम है, ठीक है। बस जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बहुत का डिफरेंस आता है, तो आप लोग को जो भी बेटर लगता है आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कोर्स कर सकते हो। तो फ्रेंड, प्राइवेट कॉलेज की अगर एडमिशन की बात की जाए तो फ्रेंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो होता है वहां पे क्या होता है कि जो आप कैट के एग्जाम के थ्रू, मैट के एग्जाम के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज की अपनी एंट्रेंस के थ्रू वो लोग अपना एडमिशन लेते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड इस कोर्स को करने के लिए अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें जॉब कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कस्टम ऑफिसर बन सकते हो, आप एक ऑपरेशनल मैनेजर बन सकते हो, आप एक पोर्ट मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि पोर्ट मैनेजर बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स आज के टाइम में चल रहा है। फिर आप लोग पोर्ट मैनेजर बन सकते हो, आप लोग सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो, आप लोग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब प्रोफाइल है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड आप लोग इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला के देता रहता हूं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस।